वीडियो में डिस्कस करेंगे BS वर्सेस PFCV के बीच जो होने वाला है बुल्गारिया T10 का पहला मैच। इनडेप्थ दोस्तों हम लोग ना वीडियो में दोनों ही टीम के बारे में करेंगे कंप्लीट में कवरेज, ताकि आपको दोनों ही टीम के बारे में दोस्तों सभी प्लेयर्स के बारे में जितने भी हो ऑफिशियल अपडेट। यस, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इतने बहुत सारे प्लेयर्स होते जिनके नेम्स ना आप अगर सर्च करोगे गूगल में जाके तो आपको मिल जाएगा उनके नाम के स्टैट्स, बट वो प्लेयर्स स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के जो नाम होते हैं वो दोस्तों रिपीटेड होते हैं, और सेम नाम के बहुतों प्लेयर मिलेगा। तो इस वीडियो में जितने भी प्लेयर्स के स्टैट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सब ऑफिशियल है, क्रिक हीरोज से मुझे मिला, मैं सोर्सेज भी बता रहा हूँ, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा है तो मैं क्लियरली बोलता हूँ स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, बट गलत स्टैट्स आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, द 100 ओमेज का वीडियो लाइव है, मेरा मानना है कि बहुत तगड़ा मैच हो सकता है दोस्तों, सोफी एक्लिस्टन वर्सेस नेट सिवर ब्रंट, जहाँ पे नेट सिवर ब्रंट वाला टीम ज़्यादा स्ट्रांग है। एक बॉलिंग पिच में मैच होगा, जाओ वीडियो देखो और क्या क्या बताऊँ उस वीडियो में मैच के बारे में। तो आपको कहाँ जुड़ना है, टेलीग्राम फॉर फ्यूचर अपडेट्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं ऐड कर दूंगा। तो चलो एनालिसिस करते हैं। 11 बजे मैच स्टार्ट होगा ब्लैक स्मिथ वर्सेज पार्क फाल्कन सीसी वीरेन के बीच। दोनों टीम में से पार्क फाल्कन सीसी एक थोड़े से बेटर टीम बन सकते हैं, बट यार ब्लैक स्मिथ जो है ना ये टीम एक्चुअली में तो न्यू नहीं है, बट इनका जो स्क्वाड ड्रीम इलेवन में अभी लिस्टेड है वो एकदम अलग है इनके डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक। पिच स्टैट्स वाला पॉइंट अगर देखेंगे तो ये जो मैच है ना इसमें ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है, और अक्सर हमने देखा डोमेस्टिक में ऐसा ही होता है कि जब इंटरनेशनल प्लेयर नहीं खेलता है तो ज़्यादा रन नहीं बनता है, ठीक है, क्वालिटी क्रिकेट थोड़े से कम दिखते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि 100-110 मैक्सिमम बनना चाहिए, अगर कोई एकदम से अचानक से अच्छा खेल दिया तो बात अलग, जिनके इर्द गिर्द टीम रन बनाएगा, अदरवाइज 100-110 रन बनेगा और इससे ज़्यादा रन बनने के चांसेस कम दिख रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली पिच मैटर करता है, बट ये ज़्यादातर मैचेस जो होते हैं ना आप देखना जो T10 होता है एसिस वगैरह इसमें आर्टिफिशियल टर्फ यूज़ किया जाता है, मैट यूज़ किया जाता है, नीचे मैट होता है आर्टिफिशियल टर्फ होता है, तो ऐसे पिचेस में दोस्तों बैटर्स के लिए तो अच्छा होता है, बाउंड्री साइज भी छोटा होता है, बट क्वालिटी बैटिंग हमको बहुत कम दिखता है। लेट्स सी 100-110 दिमाग में रख के चलते हैं हम लोग और आगे एनालिसिस करेंगे, समझेंगे दोस्तों सभी पॉइंट। तो PFCV के बारे में जान लेते हैं। रॉबिन अहमद ओपन करेगा सादिक अफगान, इनके लास्ट डोमेस्टिक जो मैच हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं प्लेइंग 11 बता रहा हूँ, मेरा मनगढ़ंत प्लेइंग 11 नहीं है, बहुत ज़्यादा मैच नहीं हुआ, एक ही मैच हुआ, ये भी सही है। अगैगुल अहमद दिल वन डाउन, उमेर फारूक, उस्मानुल हक, सफीर अहमद, फारूक हमद होगा बैटिंग ऑर्डर इसके आसपास। ऑफिशियल प्लेइंग 11 आने के बाद आपके साथ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा प्लेइंग 11, आपको और ज़्यादा अंदाज़ा मिलेगा, बट इस वीडियो में जब मैं बताने वाला हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट उसके बाद ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि देखो आप मैं वीडियो बना रहा हूँ आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दोगे, कुछ कुछ बंदे होते हैं जो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं, पता है इतना नहीं करते बट कर देते हैं, मतलब 100 रुपया करेंगे बट उनको इम्पैक्ट 100 करोड़ का हुआ, डेफिनेटली हार्ड अर्न मनी है। तो दोस्तों उनके लिए बता रहा हूँ मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी मैं वीडियो में बताऊँगा, तो ये वाला पार्ट सुनो इन्वेस्टमेंट वाला और उसके बाद ही करो, पहले मत करो। रॉबिन अहमद अलो ओपन करना चाहिए सादिक अफगान के साथ, 2 मैच खेला डोमेस्टिक में, 14 के एवरेज से 27 बनाया, कुछ खास किया नहीं है रॉबिन ने, ना ही सादिक अफगान 1 मैच में 27 रन बनाया, 1 ओवर विकेट 0, बट चलो ये बॉलिंग डाल सकता है ये सोच के हम लोग ट्राई कर सकते हैं इनको, ठीक है। सादिक अफगान को ऑफिशियल प्लेइंग 11 के बाद थोड़ा और बहुत आइडिया मिलेगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेलने वाला है। अगागुल अहमद एल 35 T10 मैच में 28 के एवरेज से 387, एवरेज ज़्यादा रन कम क्योंकि बैटिंग नहीं मिला, बहुत मैच में नॉट आउट गया, तो एवरेज ऊपर के तरफ जाता है। एवरेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, जो आउट होते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ रन से, रन को आउट होने वाला नंबर से डिवाइड किया जाता है, उससे एवरेज आता है प्लेयर का, ठीक है। फैंटेसी में एवरेज मैटर नहीं करता, फैंटेसी में एक प्लेयर पर मैच कितना पॉइंट दे रहा है वो मैटर ज़्यादा करता है, स्पेशली T10 फॉर्मेट में जितना ऊपर बैटिंग करेगा उतना सही है हमारे लिए। 387 42 ओवर 16 विकेट, चलो नंबर ऑफ ओवर्स 42 ओवर है, प्लस 1+ ओवर रेट है, 16 विकेट है, बैक करेंगे, बट T20 इसमें देखो कुछ नहीं किया, 11 मैच में 31 रन, 18 ओवर 6 विकेट, बाकी कैप्टन के ऊपर। उमर फारूक T10 में 7 मैच 15 के एवरेज से 77 हार्ड हिटिंग करते हुए दिखेंगे, डोमेस्टिक में 20 का एवरेज, बहुत अच्छा बैटर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकता है, T10 का एक्सपीरियंस है, बस इतना जान के रखो। उस्मानुल हक 8 मैच में 61 रन, ये भी बहुत खास मुझे लगा नहीं, 36 मैच 484 रन, 25 ओवर 10 विकेट, बट अगर इनमें से कोई ओपन मेंशन हो गया ऑफिशियल प्लेइंग 11 में तो रख लो, ओपनर का फायदा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे वैल्यू देते हैं।
सफीर अहमद एक मैच एक ओवर विकेट जीरो। डोमेस्टिक में अच्छा किया इसने, T10 में कुछ खास किया नहीं है, बट डोमेस्टिक में 32 मैच 68 ओवर में 20 विकेट, ये मस्ट बी प्लेयर है इस टीम के लिए। फारूक अहमद 6 T10 मैच में कुछ खास किया नहीं है, डोमेस्टिक में 14 मैच 3 ओवर 1 विकेट। नुमान जमील 2 मैच 5 ओवर में 3 विकेट, ये जरूरी चॉइस है हमारे लिए, 2 मैच खेला 3 विकेट निकाला डोमेस्टिक में। शब्बीर इस्माइल 7 मैच T10 में कुछ नहीं किया, डोमेस्टिक में भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखा, T10 के सभी मैचेस में डू नॉट बैट डू नॉट बॉल। एडविन रिचर्ड 2 मैच 5 ओवर 1 विकेट, चलो ओवर कंप्लीट करा सकता है, डोमेस्टिक में अच्छा बॉलिंग डाला, ठीक ठाक नंबर ऑफ ओवर्स डाला 2 मैच में 5। जहीदुल 10 मैच 17 ओवर 3 विकेट। आते हैं अदर्स प्लेयर्स की तरफ, अदर्स प्लेयर्स में आपको 4-5 प्लेयर मिलेंगे जिनके स्टैट्स ही अवेलेबल नहीं है दोस्तों, और इस रीजन से मेरा स्ट्रिक्ट सजेशन रहेगा आप लोग से कि इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा सा संभाल के कर सकते हो। बेस्ट ऐप होगा कुबेरा का डुओ मोड, कुबेरा में अगर आप ये मैच खेलोगे तो आउट ऑफ 5 प्लेयर जस्ट 1 प्लेयर चूज करना है, आपको 11 प्लेयर के बारे में नहीं सोचना है क्या करेंगे नहीं करेंगे, नहीं, हमें 5 प्लेयर में से जो एक सही लग रहा है आप उसको पिक कर लो। आपके ओपोनेंट ने अगर गलत पिक किया तो आप 2 पिक ले लो बैकअप के साथ, जो मैं बेसिकली मेरा दोस्तों रहता है, अदरवाइज क्विंटो में खेलो। ये मैचेस ECS के मैचेस मैं सिर्फ एक ऐप में खेलता हूँ, इवन इंडिया के डोमेस्टिक T20 भी, वह है कुबेरा। कुबेरा का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टॉप में पिन करके रखूंगा, वहां से आपको कुबेरा डाउनलोड करने में इजी होगा, आसानी से कुबेरा डाउनलोड करो प्ले करो और विन करो, और बेटर होगा SL खेलना है तो 100 में ट्राई कर सकते हो, वीडियो देख के सोच लेना उसके बाद। स्टेलियन ओपन करेंगे वैलेंटिन गेशाव के साथ, कज़ास्की प्लेमिनोव इवानोव होगा बैटिंग ऑर्डर, इनका ना डोमेस्टिक वाला टीम कंप्लीट चेंज हो गया। मिलचेफ स्टेलियन अगर देखोगे डोमेस्टिक में 3 मैच में 42 ओवर 4 ओवर 1 विकेट, 3 मैच 42 रन 4 ओवर 1 विकेट, ट्राई कर सकते हो, वीकी में मिलेगा ले लो। वैलेंटिन गेशाव 3 मैच 72 रन 7 ओवर 3 विकेट, ये अच्छा रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में, इस टीम से सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड में से है। इनके ना ज़्यादातर प्लेयर अंडर 15 अंडर 17 खेल के आ रहे हैं। इवेलो कज़ास्की मस्ट पिक प्लेयर, 24 मैच 111 रन 22 ओवर 7 विकेट, T10 में एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल भी खेल चुका है बट इंटरनेशनल में कुछ नहीं किया, 18 बॉल में 18 मैच में 18 रन सोचो। इवन प्लेमिनोव 3 मैच 5 ओवर 2 विकेट 56 रन, चलो ये बैट बॉल दोनों से वैल्यू दिया ट्राई कर सकते हैं। वसील इवानोव 3 मैच में 2 ओवर डाला और 1 विकेट निकाला, इवन इवानोव 3 मैच में 5 रन कुछ खास किया नहीं है। YI गेशाव 3 मैच 2 ओवर विकेटलेस, जी इवानोव 5 मैच में 5 रन, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके स्टैट्स नहीं है, और मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ दोस्तों इनके ना स्टैट्स मुझे कहीं नहीं मिला, ऑफिशियल प्लेइंग 11 में नहीं मिल रहा है, स्क्वाड में नहीं मिल रहा है, स्क्वाड तो पूरा ही चेंज कर दिया, बट हाँ ECS में प्लेइंग 11 आने के बाद अगर मुझे ऑफिशियली ये मैच ऐड हुआ उनके वेबसाइट में अगर मुझे मिला तो मैं वहाँ से आपको स्टैट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट इसके लिए आपको टेलीग्राम जुड़ना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया उसके अकॉर्डिंग ही करो, और अगला मैच में अगर सही लगे क्योंकि अच्छा टीम भी खेलेगा तो उसमें आप ज़्यादा कर सकते हो, अगर वो आपको सही लगा तो फिर पहले वीडियो देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में। फिलहाल दोस्तों ये रहेगा मेरा ड्रीम इलेवन टीम, वाइस कैप्टन अयागुल अहमदेल, कैप्टन है इवेलो कज़ास्की, हमने एस आहमेद को ट्राई किया, ई रिचर्ड, आई प्लेमिनोव, हमने दोस्तों वी इवानोव को ट्राई किया, एस अफगान, एन जमील, एव हमीद, जिशेव और दोस्तों स्टैलियन, फिलहाल ये रहेगा टीम, बट डेफिनेटली मैं और भी ढूंढूंगा अगर मुझे कहीं से भी स्टैट्स मिल रहा है, बट वो ऑफिशियल प्लेइंग ऑफिशियल स्टैट होना पड़ेगा, अगर हुआ तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेंगे, कुबेरा का भी लिंक मिलेगा, मैं प्रेफर करूंगा कुबेरा का लिंक, जो कमेंट सेक्शन में उसको अभी का भी डाउनलोड करो और उसमें ना कुबेरा पे क्विंटो मोड में और डुओ मोड में ये मैच खेल लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू।